अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शहज़ाद। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो इन्वर्टर एसी की ब्लोअर मोटर के बारे में है। किसी इन्वर्टर एसी में एसी मोटर लगी होती है ब्लोअर मोटर, और किसी में डीसी लगी होती है। ये जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये एसी मोटर है। इसके तीन टर्मिनल कॉमन स्टार्टिंग रनिंग होते हैं, और तीन टर्मिनल जो होते हैं 12 वोल्ट सप्लाई के होते हैं। इसकी वाइंडिंग इस तरह डिज़ाइन की जाती है। इन दोनों को मिलाकर कॉमन बना दी जाती है। ये स्टार्टिंग होगी और ये रनिंग होगी, और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई होगी ये पीसी बोर्ड के साथ जोड़ी जाती है। तो अब हम आपको प्रैक्टिकल करके ये बताते हैं। ब्लोअर मोटर है, इसके ऊपर भी ये देखें, ये इसकी वाइंडिंग है, इसकी ड्राइंग बनी हुई है, और इसके ये टर्मिनल हैं। ये जो हैं ये एसी टर्मिनल हैं, ये कॉमन, ये रनिंग और ये स्टार्टिंग है। और ये जो क्लिप है ये 12 वोल्ट सप्लाई का होता है, जो इसके अंदर पीसी बोर्ड लगा होता है। अब हम इसको अगर मीटर के साथ चेक करेंगे, मीटर को आपने कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखना है, ये देखें। इसके बाद इन तीनों तारों को आपने चेक करना है। ये देखें इसकी रेजिस्टेंस 374, सिक्स वन फोर और 987। ये तकरीबन ये जो है ये कॉमन है, ये इसकी रनिंग है, और ये स्टार्टिंग बन गई, और ये जो है 12 वोल्ट की सप्लाई है। ये मीटर के साथ चेक नहीं होती। तो ये छोटी सी दोस्तों जानकारी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।